बुजुर्गों के माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, घर में बालकों को शिक्षा दीजिए। वैसे तो यहाँ सारी बालक बड़े संस्कारी, महाराज जा घर में चले जाओ, सब सबको दंडवत की क्रिया, प्रणाम करने का ढंग, कि जब कोई संत आए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। माताएं माताओं को साष्टांग नहीं करना चाहिए, माताओं को घुटनों के बल पर करना चाहिए, या ऐसे भी प्रणाम कर सकते हैं। एकदम लेट कर नहीं किया जाता, वो शास्त्र के विरुद्ध होता है। अब कई कई घरों में जाओ आप, बहुत सारे घरों में जाओ, माता पिता कभी एक दूसरे को प्रणाम करते नहीं, बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करते, और कोई संत महात्मा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, तो अपने बच्चे से कहेंगे बेटा प्रणाम करो, वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। बहुत बोलते हैं बेटा करो बेटा करो, अब बेटे ने खुद देखा होगा तभी तो करेगा, छोटा सा बालक है, खुद करते हुए देखा होगा कि दादी बाबा को करते हैं, हमारे माता पिता दादा दादी उनको करते हैं, तो वही देखकर बालकों में संस्कार पड़ते हैं। आप राम भगवान के भजन में मग्न रहने वाले लोग हैं, इसलिए बालकों के अंदर राम की भक्ति आ जाएगी, लेकिन जीवन में अगर आपने भगवत भक्ति को, राम नाम को महत्वपूर्णता नहीं दी होगी तो इस पीढ़ी में नहीं आने वाली। इसलिए याद रखें, आप चाहे कितनी भी शिक्षा दें, अच्छे स्कूल में पढ़ा लें, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लें, विदेशों में पढ़ा लें, यदि आपने उन्हें संस्कार और भावनाओं से नहीं जोड़ा तो वही वाली बात होगी कि फिर आपको जैसे चिड़िया के जो पुत्र होते हैं ना छोटे छोटे, वो उनको खिलाती है पिलाती है, अब खुद भूखी रहकर उन्हें उनका पेट भरती है, और एक समय आता है कि पंख होते ही उड़ जाते हैं, उनको नहीं देखते। इसलिए याद रखिए, शिक्षा से ज्यादा संस्कार भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। संतों के आशीर्वाद से, शास्त्रों आदि का अध्ययन करा करके, कहीं भी कोई व्यवहारिक कार्य हो रहा हो बच्चों को लेके जाएं, जन्मदिन आदि हो, आपकी शादी की एनिवर्सरी हो, मनाते हैं आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, मत करिए उतना विशाल तक कि लाखों रुपए खर्च करके कार्ड बंटवा रहे हैं, बड़े बड़े केक मंगा रहे हैं, ले जाइए अनाथ आश्रम में, बच्चों को जोड़िए, कैसे ऐसे बालक है जिनके माता पिता नहीं है, आप इतना सुख भोग रहे हैं लेकिन इनके पास एक पेंसिल एक कॉपी के लिए भी पैसा नहीं होता, जोड़े उन्हें भावनाओं से, वो आपकी सेवा सत्कार करना नहीं छोड़ेंगे, उन्हें किसी प्रकार की कभी उनसे कोई गलती नहीं होगी, हमेशा माता पिता की आज्ञा में रहेंगे। लेकिन जिनको आपने भावनाओं से नहीं जोड़ा, अच्छे कार्यों से नहीं जोड़ा, फिर वो अगर मन स्वतंत्रता वाले बन गए तो फिर आप कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया, हमने इतना सब कुछ किया, आपको जो देना चाहिए था वो नहीं दिया आपने। आज ये कलंक है हमारे कि वृद्धाश्रम आदि खुले रहते हैं, माता पिताओं के सम्मान में कमी आती है क्योंकि हम भावनाओं से नहीं जोड़ रहे हैं। इसलिए मेरी यहाँ जितने भी माता पिता बैठे उन सबसे खूब हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप बालकों को खूब अच्छी शिक्षा दें, लेकिन साथ ही साथ व्यवहारिक चीज़ों में भी उन्हें शिक्षा दें। अभी छोटे से उन्हें ये सब चीज़ें दिखाएंगे तो उनके मन में वो छाप पड़ जाएगी। जिस बालक ने बचपन से दुख देखे होंगे, व्यवहारों से जुड़ा होगा, भगवत नाम भजन किया होगा, वो कभी भूल वश अपने माता पिता का निरादर नहीं कर सकता, कर भी दे कदंचित इस वाणी से निकल भी जाए तो क्षमा याचन करेगा। लेकिन जिसने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं है, भावनाओं से कभी जुड़ा नहीं है, तो अगर आपको उल्टा सीधा भी बोलकर छोड़कर चला जाएगा ना, तो उसे कोई प्रवचन का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यहां अब ठाकुर राज सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।